नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कटारिया टेक्सन कंपनी में आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि राउटर बिट्स के बारे में बता सकूँ। बहुत सारे लोगों ने राउटर मशीन खरीद चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कि मतलब उनको वो राउटर पे कटिंग कर रहे हैं और उनको उस पर ऐसी फिनिशिंग नहीं आ रही जो मतलब वो चाहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि कौन सा टूल कहाँ यूज़ करना है और ये किस काम के लिए आएगा। मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप भी इसको जानना चाहते हो कि कौन से मटेरियल पे, जैसे MDF पे, वुडन पे, 2D वर्क के लिए, 2D 2.5D के लिए, मार्बल पे कौन सा बिट यूज़ करूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2D वर्क्स के लिए। 2D के लिए कौन से बिट इस्तेमाल होते हैं, 2D काम के लिए कौन सा बिट इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले ये सामने मैंने रखे हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको शायद। ये सबसे पहले ये स्पायरल एंड मिल होता है, ठीक है। ये टू फ्लूट में आता है स्पायरल एंड मिल। ये फोर फ्लूड में भी आता है, टू फ्लूड में भी आता है और सिंगल फ्लूड में भी आता है स्पायरल में, ठीक है। सबसे पहले ये इसकी बात करते हैं। ये आपके MDF कटिंग के लिए, PVC कटिंग के लिए, वुड कटिंग के लिए, ये सभी के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप एक्रेलिक कटिंग करना चाहते हो, ACP कटिंग करना चाहते हो, तो PVC कटिंग करना चाहते हो, उसके लिए ये वाला बिट इस्तेमाल होगा, सिंगल फ्लूड। इसको सिंगल दूसरे नंबर पे जो रखा हुआ है ये सिंगल फ्लूड वाला है, ठीक है। और अगर आप पार्टिकल बोर्ड, जैसे कि माइका लगा होता है, प्लाई के ऊपर माइका लगा होता है, तो उसके लिए ये स्ट्रेट एंड मिल काम आएगा, ठीक है। ये गौर से देख लीजिए, तीनों 2D के लिए है लेकिन हर काम के लिए अलग बिट यूज़ होता है। तो 2D के लिए अगर आप MDF काट रहे हो, PVC काट रहे हो, या वुड काट रहे हो, उसके लिए स्पायरल एंड मिल टू फ्लूड भी चलेगा। तो अगर आप एक्रेलिक काट रहे हो, ACP काट रहे हो, तो उसके लिए सिंगल फ्लूट स्पायरल एंड मिल चलेगा। तो अगर आप पार्टिकल बोर्ड, जैसे मतलब जिससे फर्नीचर वगैरह भी बनते हैं, जैसे मतलब डोर विंडो बनती है, तो उससे उसको पार्टिकल में जैसे माइका लगा होता है प्लाईवुड पे, तो वो उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एंड मिल। तो ये 6 mm एंड मिल है, इसमें कई तरह के साइज आते हैं, जैसे 4 mm हो गया, 5 mm हो गया, 3 mm हो गया, 2 mm हो गया। इसमें अलग अलग साइज भी आएंगे, आपको जैसा आपका मतलब वर्क है उस तरह के आप यूज़ करते हो। अगर आप बारीक काम कर रहे हो तो उसके लिए आप 4 mm 3 mm भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको 6 mm का दिखाया है। और ये 3D बाल नोज की, 3D के लिए सबसे ज़्यादा बाल नोज यूज़ होता है, उसके अलावा और कोई बिट नहीं यूज़ होता। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाल नोज किस तरह की क्वालिटी में आता है और किस किस तरह का दिखता है। दोस्तों ये है अनकोटेड टू फ्लूट स्पाइरल बाल नोज, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला, ये है मतलब ब्लैक कोटेड बाल नोज, ठीक है। उसके अलावा ये, अगर आप उससे भी थोड़ा बढ़िया चाहते हो, तो ये वाला कॉपर कोटेड बाल नोज आता है जो टू फ्लूट में होता है। तो उसके ऊपर जो आता है ये गोल्ड कोटेड बाल नोज, ये भी स्पाइरल में, सारे के सारे स्पाइरल में बाल नोज अवेलेबल है। इसमें 3 mm का साइज भी आता है, 4 mm का भी आता है, ठीक है, 2 mm का भी, और 2 mm सॉरी टेपर में आता है। तो उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोर फ्लूट में भी अवेलेबल होता है। तो ये फोर फ्लूट है, ये फोर फ्लूट, इसके जो टीथ हैं ये मतलब आपको फोर इसके टीथ दिखेंगे जो फोर है, ठीक है। बाकी टू फ्लूट है, ये फोर फ्लूट है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो अगर आप काम करेंगे, तो अगर आप सस्ते में जाते हो तो ये अनकोटेड ले लो, अगर आप थोड़ा महंगा जाते हो तो ब्लैक कोटेड ले लो, उससे महंगा जाते हो तो कॉपर कोटेड ले लो, उससे भी ज़्यादा महंगा अगर चाहते हो तो आप गोल्ड कोटेड ले सकते हो। और ये इसमें फोर फ्लूड भी आते हैं, फोर फ्लूड आपके इस तरह के, आपने 5 तरह के रखे हुए हैं, इस तरह के आपको 5 तरह के मार्केट में मिलेंगे। इसके अलावा भी आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये भी बाल नोज है, इसको हम टेपर बाल नोज बोलते हैं। तो
अगर आप 3D, अगर आपका जैसे आप फोटो बना रहे हो किसी भगवान की, जैसे उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आप फेस बना रहे हो ना किसी का, उसके लिए सबसे बेस्ट ये बाल नोज आता है, टेपर बाल नोज। ये 2 mm में भी आता है और 1.5 mm में भी आता है, तो इससे बढ़िया क्वालिटी का आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। चलो हम आगे आपको दिखाते हैं। तो अब बारी है 2.5D की, जो सबसे पहले बांग्लादेश में ट्रेंड चला था, अब ट्रेंड चलते चलते अब पूरे इंडिया में फैल चुका है। तो ये जो 2.5D है, ये कैसे बनता है और किस तरह के बिट से बनता है, आज मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देख लीजिए, ये सामने पड़े हुए हैं 2.5D, इसको शार्पली बिट भी बोलते हैं और ओबी बिट भी बोलते हैं। तो ये इस तरह के साइज़ आते हैं कुछ दिखने में, ये ऐसे होता है जो मतलब 2.5D के काम आती है। तो ये सबसे पहले जो पड़ा हुआ है हमारे इधर 12 mm का है, उसके बाद 19 mm का है, ठीक है, उसके बाद 25 mm का है, उसके बाद ये जो रखा हुआ है ये 30 mm का है, और ये ओ सॉरी 32 mm का है, उसके बाद ये भी 32 mm का है। इस तरह के आपके पास 2D वर्क्स के काम आएंगे। तो अगर आप भी अगर 2.5D करना चाहते हो, ये बिट्स ज़रूर होने चाहिए आपके पास। तो अगर आप ये लेना चाहते हो, ठीक है। तो बारी है वी बिट की। वी बिट बहुत तरह के आते हैं, उसमें एक तरह का बिट नहीं आता, कई तरह के, जैसे मतलब वो डिग्री के हिसाब से आते हैं वी बिट। जैसे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे डिग्री के हिसाब से आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखने में कैसे लगते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले ये वाला है, जो ये 90 डिग्री का बिट है, जो ये मेरे सामने दिख रहा है, ये 90 डिग्री का बिट है। उसके बाद जो है ये 140 डिग्री का है, उसके बाद ये 150 डिग्री का भी ये अवेलेबल है हमारे पास, ये 150 डिग्री तक है। ये भी 150 डिग्री है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, और ये 140 डिग्री तक, ठीक है। इस तरह के ये वी बिट आपको हमारे यहाँ से मिल जाएंगे, अगर आप वी बिट वी कार्विंग का काम करना है तो। तो ये देखो आप, हर बिट अलग तरह का दिखने में है, ये सभी वी कार्विंग के लिए के काम आते हैं। अब दोस्तों, अब बारी है मेम्ब्रेन डोर की। मेम्ब्रेन बहुत सारे लोग मेम्ब्रेन डोर का बहुत डोर का कारोबार बहुत करते हैं। तो उसमें जो डोर पे जो डिज़ाइन डालते हैं ना, नॉर्मल डोर जिसको बोलते हैं, तो वो किस तरह के बिट यूज़ होते हैं, मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो बिट दिख रहे हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन, हर डिज़ाइन का अलग बिट है, तो ये मेम्ब्रेन डोर के काम आते हैं। ये देखो आप, इसमें ये मेरे पास कम से कम 6 तरह के है। तो इस तरह के बहुत सारे भी आते हैं, और भी कई आते हैं, वो सभी आपको मेरे यहाँ से मिल जाएंगे। ये वीवीबिट का भी काम कर सकते हो, तो ये सारे मेम्ब्रेन डोर के में काम आएंगे आपके, अगर जो मेम्ब्रेन डोर का काम कर रहे हो, ठीक है। ये देख लीजिए, तो बारी है मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन, या अगर आप स्टोन मार्बल पे नाम लिखना चाहते हो, या फिर इंग्रेविंग करना चाहते हो, अगर 3D करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन से टूल यूज़ होंगे, तो आप मैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो है ना मार्बल के लिए स्टोन इसको डायमंड टूल बोलते हैं, जो इसके ऊपर जो जो ये कोटेड लगा हुआ है, डायमंड के से बना हुआ है ये सारे डायमंड टूल है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जो ये अभी ये टेपर है, ठीक है, ये हम कट इससे हम कटिंग भी कर सकते हैं और 3D भी बना सकते हैं। ये 2 mm का है, इसे हम नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, मार्बल पे, स्टोन पे, ग्रेनाइट पे, किसी पे भी। और ये अगर आपको 3D बनाना है, 3D के लिए बाल नोज यूज़ होगा, ठीक है। अगर अगर आपको कटिंग करना है, तो उसके लिए एंड मिल, ये एंड मिल है, ये 2 तरह के एंड मिल आते हैं, इस पर आप नाम भी लिख सकते हो और कटिंग भी कर सकते हो। ये 6 mm का है, ये भी 6 mm है, उसकी शैंक 6 mm है, और ये ऊपर से ये 2 mm का है। अगर आप 3 mm का चाहते हो, तो ये 3 mm में भी अवेलेबल है, ये देखो 3 mm, नीचे से शैंक इसकी 6 mm की है। और ये वी कार्विंग के लिए भी काम आएगा, वी कार्विंग अगर मार्बल पे की वी कार्विंग करनी है, तो ये वी बिट भी है। और अगर आपको 3D का काम करना है, ठीक है, कि किसी भगवान की फ़ोटो बनानी है या कुछ करना है इस तरह का, ये 6 mm का बाल नोज है, और 8 mm का बाल नोज भी अवेलेबल है। इस तरह के आपको जो मार्बल के काम आते हैं, किसी भी तरह का मार्बल का काम इस बिट से होगा। देख लीजिए, ये डायमंड टूल, उसको डायमंड टूल बोलते हैं।
दोस्तों अब ये सारे टूल्स की बात हो गई, अब ये ब्रश की बात करते हैं। ये जो ब्रश किस काम आता है, ये ब्रश जो है ना ये फिनिशिंग के काम आता है। पहले क्या होता था, हम डिज़ाइन निकाल देते थे और उसके बाद हमें सैंड पेपर से या रेक मार्क से हमें उसको फिनिशिंग करना पड़ता था। ये मतलब हम ड्रिल मशीन में लगा कर इससे हम अपने जो वर्क पीस को फिनिशिंग कर सकते हैं। ये सैंड पेपर का काम भी करेगा, ये बहुत ही अच्छी से सफाई से ये आपको फिनिशिंग का काम करेगा। इसको नाइलन ब्रश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप वुडन का काम करें तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों ये इस तरह के ये सभी टूल्स आते हैं, इसमें कई तरह के, जैसे ये मैं जैसे मैंने आपको 6 mm या ऐसे साइज़ बताए हैं, लेकिन ये 6 mm और 3 mm 4 mm के साइज़ में भी अवेलेबल है। अगर आपको जिस तरह का काम करने के लिए चाहिए तो वो भी सभी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप ये इस तरह का कोई बिट खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल करके आप उसके बारे में पूछ सकते हो या ख़रीदने हो तो ख़रीद भी सकते हो। तो इस दोस्तों मैं अगर आपने हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस तरह की कोई वीडियो और इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना भी है, हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और अगर आप चाहते हो कि अगर हम इस टूल को अलग अलग काम करके भी आपको दिखाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार दोस्तों।